आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन क्रांति में। दोस्तों, इस वीडियो में आपसे विशेष मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर ऑब्जेक्शन आपको क्यों लगाना है, क्यों जरूरी है इस बार ऑब्जेक्शन लगाना, उसके बारे में चर्चा करेंगे। कितने स्टूडेंट ने इस परीक्षा में भाग लिया है, इससे क्या फायदा है आपका। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर जो है कितनी पोस्ट बढ़ गई थी। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर यदि हिंदी और इंग्लिश में यदि ऑब्जेक्शन लगाने में आपको कोई समस्या आ रही है, यदि हिंदी में गलत है और इंग्लिश में सही है, लेकिन इनके द्वारा कहा जाता है कि इंग्लिश में सही है, तो आपको ऑब्जेक्शन लगाना चाहिए या नहीं, और किस सब्जेक्ट में, यहाँ पर जरूर चेक करें आप कि आपके क्वेश्चन गलत हैं या नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पर इस वीडियो में इन सारे मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, यहां पर सबसे पहले बता दें कि आपको ऑब्जेक्शन दोस्तों आप जरूर लगाइएगा। यदि यहां पर जो है किसी और ने लगा दिया है, तो आप यहां पर पीवी को मेल करके जरूर कीजिएगा कि हमें ऑब्जेक्शन लगाने का यहां पर ऑप्शन खुलना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यहां पर यदि किसी और के द्वारा यहाँ पर यदि ऑब्जेक्शन लगा दिया गया और उस क्वेश्चन पर यदि आपको नंबर नहीं मिले, तो दोस्तों यहाँ पर आपके साथ नाइंसाफी होगी। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे कि आपने यहाँ पर जो है ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि हम यहाँ पर ऑब्जेक्शन लगाएं। यदि आपके दोस्तों यहाँ पर कट ऑफ जो हमारे द्वारा बताया गया था, यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं, इस कट ऑफ को भी जाकर देख सकते हैं, इसके ही लगभग रहने वाला है ये कट ऑफ, यदि आपके अभी फिलहाल में जितने नंबर है उस हिसाब से बताया गया था ये कट ऑफ। और इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर जो है इस बार आपको ऑब्जेक्शन क्यों लगाना है और क्यों जरूरी है, आपकी यहाँ पर नौकरी बन सकती है, ऐसा क्यों दोस्तों, सबसे पहले आपको एक न्यूज़ बता देते हैं। दोस्तों, ये एक न्यूज़ निकल कर आई जिसमें कि दोस्तों यहाँ पर जानकारी दी गई कि 37 दिन यहाँ पर चली एग्ज़ाम, इसके द्वारा कहा गया कि यहाँ पर अभ्यर्थी को अब शारीरिक दक्षता के लिए बुलाया जाएगा और बहुत तेज़ी से ये प्रोसेस होगी, ये भी इनके द्वारा कहा गया। लेकिन दोस्तों, जो जानने लायक बात थी वो इनके द्वारा कहा गया कि स्पर्धा में घटने से बहुत बड़ी राहत, यहाँ पर जो है 12 लाख कैंडिडेट ने यहाँ पर फॉर्म भरा था, लेकिन दोस्तों यहाँ पर 60%, महज 60% लोगों ने ही यहाँ पर पेपर देने गए हैं। तो दोस्तों, इसके कारण दोस्तों 12 का यदि आप 50% भी करते हैं तो यहाँ पर 6 लाख होता है, और 6 से यदि 60% भी बढ़ाते हैं तो 7 लाख के लगभग यहाँ पर कैंडिडेट होते हैं। मतलब दोस्तों, यहाँ पर कुछ कैंडिडेट तो आपके यहाँ पर कम हो गए, अर्थात यहाँ पर 7 लाख लोगों ने ही एग्ज़ाम दिया। इसके बाद दोस्तों, आपकी जो 4,000 से वैकेंसी थी वो बढ़ाकर यहाँ पर 6,000 कर दी गई, वो बढ़ा दी गई, यहाँ पर 6,000 कर दी गई। तो दोस्तों, इसका भी यहाँ पर फ़ायदा आपको मिलेगा। 2,000 हो गई है यहाँ पर, 2,000 और बढ़ाई गई तो यहाँ पर 6,000 कर दी गई, तो दोस्तों इसका भी आपको बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पर अब बताते हैं कि आपको ऑब्जेक्शन क्यों लगाना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कट ऑफ कम हो जाएगी आपकी। किस प्रकार से कम होगी, तो आपकी जो वैकेंसी है दोस्तों यहाँ पर 6,000 कर दी गई, यहाँ पर 2,000 वैकेंसी बढ़ाई गई, इसका यहाँ पर फर्क देखने को मिलेगा, जो कि हमारे द्वारा न्यूज़ में अभी बताया गया। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर जो है 7 लाख कैंडिडेट यहाँ पर होंगे, इसमें से कि दोस्तों यहाँ पर कट ऑफ जाएगी, तो यहाँ पर कम से कम ही कट ऑफ देखने को मिलेगी, जो हमारे द्वारा बताई गई है कट ऑफ बिल्कुल सटीक बैठेगी। आप यहाँ पर फिजिकल की तैयारी शुरू करते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो है अब समय कम मिलेगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आपके ऑब्जेक्शन पर। ऑब्जेक्शन दोस्तों, आप सबसे पहले अपनी जो भी आपकी आंसर की है उसको खोलिए, उसके बाद दोस्तों एक एक क्वेश्चन को चेक करिए, और यदि आपको विशेष रूप से यहाँ पर कौन से करना है, मैथ्स और रीजनिंग के दोस्तों यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर गलत है। मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन ज़रूर आप चेक कर लीजिएगा, आपसे चेक नहीं करता करने बनता है तो किसी दोस्त या फ्रेंड से ज़रूर पूछ लीजिएगा कि वो गलत है या सही, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ऑब्जेक्शन यदि आप नहीं करेंगे तो आपको यहाँ पर नंबर नहीं मिलेंगे। हालाँकि कोई भी ऑब्जेक्शन कर देगा और उसका ऑब्जेक्शन सही है तो आपको नंबर जरूर मिलेंगे, लेकिन दोस्तों यदि किसी ने भी ऑब्जेक्शन नहीं किया, महज तीन दिन में यदि किसी ने भी यहाँ पर ऑब्जेक्शन नहीं किया, तो दोस्तों आपके हाथ से ये वैकेंसी निकल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर जो है गणित और रीजनिंग में सबसे ज़्यादा यहाँ पर गड़बड़ है, और कुछ क्वेश्चन में यहाँ पर जो है हिंदी और इंग्लिश के फॉर्मेट में गलती है, तो दोस्तों उस पर भी ऑब्जेक्शन लगाएं, क्योंकि दोस्तों पूर्व में यहाँ देखा गया है कि इस त्रुटि को सुधारा जाता है और आपको नंबर दिए जाते हैं। इस बात को यहाँ पर याद रखिए, पीवी के द्वारा दोस्तों यहाँ पर यदि आपने इनके द्वारा हिंदी के क्वेश्चन में कुछ गलती होती है, तो वो इंग्लिश में यदि सही भी है तो यहाँ पर इनके द्वारा सुधार किया जाता है, ये पूर्व में देखा गया है। तो दोस्तों इस पर भी ऑब्जेक्शन कीजिए, ये मानकर मत कीजिए कि यहाँ पर इंग्लिश में सही दिया है, क्योंकि दोस्तों हिंदी में कोई व्यक्ति पढ़ रहा है और यहाँ पर लास्ट ऑप्शन गलत है, और वही ऑप्शन यहाँ पर सही है, या कोई भी ऑप्शन सही था लेकिन वो लास्ट ऑप्शन तो यहाँ पर जो है गलत ही था ना, हिंदी में जो पढ़ेगा दोस्तों उसके लिए यहाँ पर नाइंसाफी होगी। तो दोस्तों आप यहाँ पर जो है इसके लिए भी ऑब्जेक्शन जरूर लगाइए, और दोस्तों सभी से बोल रहे हैं यहाँ पर ऑब्जेक्शन जरूर लगाएं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपको ऑब्जेक्शन का फ़ायदा मिलेगा, कम से कम 5 से 10 नंबर आपके बढ़ेंगे, यहाँ पर आपके जितने भी क्वेश्चन हैं उनका फायदा आपको मिलेगा। बाकी दोस्तों यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन भी होगी तो उसका फायदा मिलेगा, आपका यहाँ पर कट ऑफ में आने के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। यदि आपके 50 से 60 के बीच भी नंबर है तो दोस्तों आप ऑब्जेक्शन जरूर लगाएं, बाकी नॉर्मलाइजेशन होगी तो आपको फायदा बिल्कुल मिलेगा। बाकी दोस्तों कुछ और क्वेश्चन हमें गलत मिलते हैं तो आपके लिए बिल्कुल लाएंगे। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।